अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद एहसानुल्लाह, एडमंड पिजन गैलरी जी। दोस्तों आज हम कुछ कबूतर कार्गो कर रहे थे, तो मैंने कहा चलें आज अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी साथ शामिल करते हैं अपनी मेहनत के, और साथ साथ दिखाते हैं कि हम पैकिंग कैसे करते हैं और ये कार्गो कहाँ जाने हैं, वो सारी डिटेल इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो में नए हैं तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेड़े रखो थोड़ा, हो गया जी। दोस्तों ये जनाब हम जो तरबूज को जैसे वो कट लगाते हैं इस तरह के कट लगा रहे हैं, थोड़े खुले सुराख करते हैं ताकि डिलीवरी जोन सी है वो कबूतरों की अच्छे तरीके से कबूतरों जोन से हैं वो मालक तक पहुंच जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं हुआ कि हमने कबूतर कहीं भेजे हों और वो हमारी पैकिंग की वजह से एक्सपायर हो गए हों। तो बस वीडियो देखते रहें जनाब मेरी, इंशाल्लाह आपको आज मज़ा आएगा वीडियो का। अभी कबूतर भी इनमें पैक करेंगे, ये तकरीबन 60 कबूतर हम आज डिलीवर कर रहे हैं गुजरात में, ठीक हो गया। तो वो सारा प्रोसेस आपको आज हम दिखाएंगे। ये जनाब सुराख हो रहे हैं और इसके बाद पैकिंग कैसे करनी है हमने वो भी प्रोसीजर सारा दोस्तों को बताया जाएगा। सुराख इतने छोटे भी नहीं हैं कि बंद हो जाएं। ये लें जी दोस्तों, ये हो गए सुराख इस कार्टन को, ये वाली साइड अभी रहती है। तो बाकी भी आप किसी से कबूतर अगर लेते हैं तो उन भाइयों को दिखाया करें कि पैकिंग, बेशक मेरी वीडियो शेयर कर दें कि भाई पैकिंग इस तरह की आपने करके भेजनी है। सारा कमाल होता है ये पैकिंग का अगर कबूतरों को, तो वीडियो मेरी शेयर करके बता दिया करें दोस्तों को कि भाईजान इस तरह पैकिंग करके आपने कबूतरों को भेजना है हमारी तरफ। ये कार्टन तैयार हो गए हैं, ये 3 कार्टन है, कार्टन भी ठीक ठाक बड़े हैं हमारे और इनमें 20-20 कबूतर आएंगे, ठीक हो गया। और ये चेक कर लें, इनको हर तरफ हमने सुराख कर दी है, अभी इनकी पैकिंग कंप्लीट नहीं हुई। और ये कबूतर हैं जनाब केजीज़ में हमने अलग से कर दिए थे जो आज इंशाल्लाह डिलीवर होंगे, ठीक हो गया। ये कबूतर है, ये नीचे भी हैं और ये भी हैं। अभी अगला प्रोसेस आपको दिखाते हैं जब कबूतर हम कार्टन में डालेंगे जी। दोस्तों ये कार्टनों में कबूतर शिफ्ट किए जा रहे हैं और ये बकायदा काउंटिंग होगी इनकी। 2 कबूतर इस कार्टन में हो गए हैं, 2 ही उस कार्टन में हो गए हैं। तो ये तरीकाकार है, जब हो जाते हैं कट में डालते हैं फिर अन्ना से बाबू खाते हैं। जी दोस्तों फाइनली हमारी पैकिंग हो गई है, ओके ठीक है।
ये जो रिसीवर भाई हैं उनका मोबाइल नंबर भी लिख दिया गया है, नाम उनकी लोकेशन, और मैंने अपना भी बीच में मेंशन कर दी है। समटाइम ये होता है कि जो रिसीवर होता है वो थोड़ा लेट हो जाता है या ड्राइवर का कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो जनाब फिर हमसे या दूसरा जो बंदा है उससे रब्ता कर लेते हैं। ये 3 कार्टन हैं, 20-20 कबूतर हैं इनमें, बिल्कुल ईजीली कबूतर जाएँगे माशाल्लाह से। अभी जनाब हम अड्डे वाली साइड पर जा रहे हैं और गुजरात की गाड़ी में रखवाएँगे। थोड़ा जहा ना वक्फा रखो, वहां फिर रुक जाती है। कर हड़वाएं से दे कर, मैं तो नहीं।